गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एसपीपीएस। इन दिस वीडियो फॉर सिक्स क्लास आई एम टीचिंग यू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आई हैव टॉच यू इन द लास्ट वीडियोज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टुडे आई विल टीच यू अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे जैसे हिंदी में पीरियड में रहा है तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, सब लगे होते हैं। तो तीन पार्ट होते हैं, उन्हीं में कौन सा सिंपल सेंटेंस इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बी राइट सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब एच बी आपकी बाज और वर्ब विद सिंगुलर बाज प्लूरल साथ वर्ब लगाओगे, ठीक है। इसके बाद आई एन जी इन वीवर प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसा कोई सेंटेंस लिखता हूँ, मैं आज एक पत्र पढ़ रहा था, हम कल फर्स्ट सेंटेंस आई विल कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। तो सब्जेक्ट रूल में दिया गया है मैं आज एक पद पढ़ा, कौन पढ़ रहा था, आई के साथ बात, फिर आई एन जी भी मैंने पढ़ना, रीडिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक पत्र ए लेटर और टुडे मींस आज, ओके। इसके बाद पैसिव रूल देखो इसका। इन पैसिव रूल बी राइट फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, द सेम हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड व्हिच इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस प्लस इसमें आईएनजी होता तो बीन लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई फिर सब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की गिवन दिस इज वर्ब, अ लेटर विल बी योर ऑब्जेक्ट, ए लेटर बाज है, बाज आ जाएगा, बींग लिखा है बींग, थर्ड फॉर्म रीड की थर्ड फॉर्म रीडे रहती है, बाई किसके द्वारा, सब्जेक्ट क्या था आई, आई का मी और अदर वर्ड में टुडे हो जाएगा, ओके। इसके बाद नेगेटिव देखो, नेगेटिव में एक्टिव रूल, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वो भी रहे भी आपकी बाज या वर्ब, आई एन जी बी वन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे मैं आज एक पत्र था तो सब्जेक्ट आई के साथ बाज फिर नॉट है नॉट वन रीड होता रीडिंग ऑब्जेक्ट पत्र ए लेटर टुडे, ठीक है। इसका पैसिव रूल देखो, पैसिव रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बाज और बर्ब है, थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड। तो ऑब्जेक्ट दिया गया रीडिंग होगी ए लेटर विल बी योर ऑब्जेक्ट, इसके साथ वाज नॉट बीइंग और थर्ड फॉर्म रीड बाई इंटरोगेटिव।
प्लस वो सब्जेक्ट और उसका आईएनजी भी बन ऑब्जेक्ट तरह कुछ बैठ जाएगा। हिंदी में क्या लग जाएगा, क्या मैं आज एक पत्र पढ़ रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब पास पहले आ जाएगा, पास आई और वैसे ही रहेगा गेटिंग लेटर टुडे। ठीक है, पैसिव में ऐसी ऑब्जेक्ट वहाँ तो नोट जगह तो पास वर्ब पहले ऑब्जेक्ट पहले ये ऑब्जेक्ट बाद चला जाएगा तो इसका हो गया पास पहले और ए लेटर बाद में हो जाएगा पास ए लेटर फिर बीइंग थर्ड फॉर्म रिटन बाय मॉम टू। ठीक है, सेकंड सेंटेंस एज अ होमवर्क एंड आल्सो राइट सम ऑफ द सेंटेंस ऑफ दिस टाइप and try to solve them into both active and passive voice. That's all for the video. Thanks.